ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। और मैं सुबह मैंने हेल्थ पैराडाइज एपिसोड 1 की वीडियो अपलोड करी थी और अब मैं करने जा रहा हूँ एपिसोड 2 की वीडियो के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई वीडियो की शुरुआत में हमें बताता है कि एक स्टोरी टेलर जो रहता है वो इन लोगों से बोलता है कि भाई मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरा गला काट दें। तो हमारे जो शागिरी के फादर रहते हैं वो इसकी ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं और उसका एक ही बार में सर धड़ से अलग कर देते हैं। लेकिन 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 अभी क्या होता है, यहाँ पे जो बंदे का गला कटता है भाई, उसका गला कटने के बाद भी वो उसकी स्टोरी बताता रहता है। मतलब समझ लो उसका मुंह कट गया लेकिन वो स्टोरी बताता रहता है। फिर बताते हैं कि भाई ये एकदम इतना परफेक्ट ब्लो था कि भाई उसे कोई पेन नहीं हुआ और कुछ भी नहीं हुआ। तो शागिरी वहीं पर जब छुट्टी रहती है तो बोलती रहती है कि मुझे भी मेरे फादर जैसा बनना है, मुझे भी ऐसी शॉट चलानी है। फिर सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर बताते हैं कि शागिरी भाई जब बड़ी हो गई तो वो एक आदमी का सर धड़ से अलग कर देती है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उसे अजीब सी फील होती है। पीछे से एक बंदा आके बोलता है कि डर है तुम्हारी तलवारबाजी में, डर है जिसकी वजह से तुम जो मरना चाहते हैं तुम उनकी डेथ को पीसफुल नहीं कर रही हो। फिर सीन वापस से शिफ्ट होता है और वहाँ पर शागिरी एक और का सर धड़ से अलग करती है, लेकिन वापस वही चीज़ होती है। वहाँ पर वो लड़का बोलता है कि देखो तुम्हारी ब्लेड में, देखो उसमें ट्रुथ रिफ्लेक्ट कर रहा है, तुम्हारी ब्लेड में डर है, तुम जब मारने जाती हो तुम्हें डर लगता है जिसकी वजह से तुम एक पेनफुल डेथ नहीं मार पाती हो। फिर शागिरी बोलती है कि मैं क्या करूँ जिससे कि मेरा जो डाउट है और मेरा जो डर है वो मेरा ख़त्म हो जाए, जैसे मेरे फादर का नहीं ख़त्म हो चुका था। फिर भाई लोग हम लोग आ जाते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पे एक बीच जैसी जगह पे सारे क्रिमिनल्स को इकट्ठा करा हुआ रहता है और उनके सामने एक टकला बैठा हुआ रहता है, ठीक है। तो उसके टकले के जो चेले रहते हैं वो बोलते हैं कि नॉर्मली उन सब लोगों से कि नॉर्मली तुम सबको ऐसा मौका नहीं मिलेगा इनके साथ बैठने का। इतने में ही सारे जितने भी क्रिमिनल्स रहते हैं वो बोलता है कि क्या कर रहे हो तुम, हमको क्या नीचे देखते हो, तुम हमको क्या छोटा समझते हो, हम क्रिमिनल्स हैं। तो उसके बाद वहाँ पे एक और चेला बोलता है कि क्या ये सही है इन सबको, इन सारे इतने खतरनाक क्रिमिनल्स को एक जगह लाना। फिर हमारी शागिरी को बताते हैं, शागिरी बोलती है यहाँ पे देखो एक बंदा है तानियो सेकिची जिसने भाई 30 लोगों को मारा है, एक और बंदा है मिकी मारू जो कि भाई एकदम सीरियल आर्सोनिस्ट है, बहुत खतरनाक किलर है। ये सारे के सारे ही जितने भी लोग हैं ये भाई इतने खतरनाक क्रिमिनल है जिन्होंने पूरी दुनिया में क्योस मचा के रखा है। फिर हमारे गाबी मारू को दिखाया जाता है, गाबी मारू बोलता भाई मैं सांस नहीं ले पा रहा और मुझे टोकुगावा को फेस टू फेस देखना है। शागिरी बोलती नहीं तुम नहीं देख सकते। तभी वहाँ के उनके चेले बोलते हैं कि तुम शिनशेन को जाओगे और यहाँ पे वापस आओगे एलिक्सर ऑफ लाइफ जो इमोर्टिलिटी का रहता है उसको लेकर, जो कोई भी उस एलिक्सर को लेके आएगा उसे ऑफिशियल पार्डन मिलेगा और उसके सारे क्राइम हट जाएंगे। यही सुनते सारे के सारे भाई क्रिमिनल शांत हो जाते हैं और शागिरी बोलती भाई एटमॉस्फेयर चेंज होगा। तभी एक पागल सनकी आदमी रहता है वो बोलता है खुश होता कि वाह यार मैं तो भाई लोगों को खूब मारूंगा। तो शागिरी बोलती है ये एक वो बंदा है जो सिर्फ बच्चों और औरतों को मारता है, वो भी सिर्फ उसकी खुशियों के लिए, क्या मैं ऐसे जो इविल पर्सन रहते हैं उनको विदाउट हेडिटेशन मार सकती हूँ क्या। तभी पीछे से एक और क्रिमिनल लड़की बोलती है कि तुम गाबी मारू द होलो हो, तुम बड़े ही फेमस हो इस किलिंग लाइन में पर मैं डिसअपॉइंट हूँ क्योंकि जैसा रूमर कहते हैं तुम इस हिसाब से छोटे हो और थोड़े टूटे फूटे लगते हो। तो गाबी मारू बोलता है डिसअपॉइंट, मैंने डिसअपॉइंट किया तुमको उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो फिर यहाँ से शागिरी सोचती है कि भाई ये बंदे के लिए मैं थोड़ी देर डर रही थी कि डेंजरस है, पर अभी भाई ये एकदम ऐसा लगता है कि नॉर्मल पर्सन है, एकदम लिस्टलेस। ऐसा कैसे, ये बाकी क्रिमिनल्स की तरह है या फिर ये जैसा रूमर कहते हैं तो ये बहुत एक मॉन्स्टर है। तभी एक चेला बोलता है ठीक है मैं तुम्हें जगह का नाम बताता हूँ जहाँ तुम्हें जाना है, वो एक पैराडाइज की तरह है। तभी सारे लोग बोलते हैं हाँ हमें पता है, मत बता जो भी है फेरी टेल है। फिर वो चेला बोलता है कि जाओ तुम सब अपने मास्क निकाल दो और वो कुछ सामान मंगवाता है। उसके बाद जैसे ही सारे क्रिमिनल्स मास्क उतारते वो उस चीज़ को देख के डर जाते हैं। तो आइए देखते हैं वो चीज़ है क्या भाई। और उनके सामने रहता है एक आदमी जो कि फूल बन चुका है, लिटरली वो फूल बन चुका है। वो लोग बोलते हैं हमें नहीं पता ये कैसे हुआ, ये जब इसकी बॉडी आई थी तो भाई ये एकदम इसके लम्स निकल रहे थे और अगले दिन भाई इसको आँखों में से फूल पौधे ये सब आने लगे, हमें नहीं पता इसका रीज़न क्या है। ये क्रिमिनल बोलता है कि तुमने बताया नहीं ये इतना डेंजरस है। तो एक चेला बोलता है कि तो क्या प्रॉब्लम है, तुम सब फूल बन जाओगे, ये एक ब्लेसिंग से कम है क्या। तो एक बंदा बोलता है मैं नहीं जाऊंगा। तो वहाँ के चेले बोलते हैं कि तुम कैसे पागल हो, तुम्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तुम सब क्रिमिनल और तुम्हें पैराडाइज जाने का मौका मिल रहा है। भाई तुम देख रहे हो कैसे पागल बनाया जा रहा है। फिर एक और क्रिमिनल बोलता है तुम्हें भी नहीं पता ना तुम लोग को भी कि वो आइलैंड पे क्या है।
फिर एक और बंदा बोलता है कि भाई क्या अगर हम खाली हाथ आ सकते हैं क्या? तो वो चेला बोलता है कि ठीक है, अगर तुम लोग को पार्टिसिपेट नहीं करना है तो तुम जा सकते हो। तो एक बंदा वो एक क्रिमिनल उठ के बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। तभी जैसे ही वो जाता रहता है तो भाई एक एसएमओन उसका गला धड़ से अलग कर देता है, उसका गला काट देता है। चला बोलता है कि मैं तुम लोग को तो क्रिमिनल्स को एक चीज़ बताना भूल ही गया, तुम जिस पल यहाँ आए थे उसी वक्त तुम डेथ के खिलाफ हो चुके थे, तुम्हारी डेथ उसी वक्त लिखी जा चुकी थी। ये यमादे क्लैन के हर एक मेंबर जो तुमको लेके आए तुम्हें मॉनिटर करेगा, अगर ये मर जाते हैं उस लैंड पे जाके तो तुम्हें बीहेड करा जाएगा, और अगर ये लौटते टाइम वहाँ पे नहीं रहते तो तुम लोग को वापस नहीं आने दिया जाएगा। तो भाई उनका टकला बॉस उसे एक बार एक चेले को बुलाता है कि इधर आ इधर आ, वो उसे फिर कान में कुछ बात बोलता है। उसके बाद वो चेला उन सब क्रिमिनल को बोल सकता है कि जाने से पहले तुम सबको तुम्हारी संख्या कम करनी पड़ेगी, तुम अगर 10 हो तो तुम 4 ही जा सकते हो, क्योंकि जो हमारी बोट की कैपेसिटी है वो कम है और तुम सब इतने लोग और यमाडे क्लैन तुम्हारे मॉनिटर तुम्हारे साथ कैसे जाएंगे। तभी पीछे से एक क्रिमिनल बोलता है क्या तुम सब इडियट हो, और जैसे ही सारे क्रिमिनल उसकी तरफ देखते तो दिखाया जाता है कि वो एक क्रिमिनल को भाई गला दबा के उसकी मौत कर देता है। और फिर वो बोलता है कि देखो मैंने इसे उनके सामने मारा तो भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, इसका मतलब तुम समझ रहे हो कि हम सबको एक दूसरों को यहाँ पे मारना है और जो भी बचेगा वो यहाँ से जाएगा। चेला बोलता है कि तुम सब अपने हाथ नहीं खोल सकते, और ये बोलते ही भाई वहाँ पे क्योस चालू हो जाता है, सारे के सारे एक दूसरे क्रिमिनल्स को मारने लगते हैं और आपस में ही लड़ने लगते हैं, भाई बहुत लपक के ब्लडशीट होता है। तभी वो टकला उनका बॉस बोलता है कि भाई आजकल की उम्र में तुम्हें ऐसी फाइट देखने को कहाँ मिलती है। फिर एक चेला सोचता है कि इनके हाथ बने तो प्रॉपरली फाइट भी नहीं कर पाते और ये फालतू की क्योस है, इन सब के वजह से तो भाई ये कोई मतलब नहीं है, सारे के सारे यहाँ मर जाएंगे और वहाँ कोई पहुँच नहीं पाएगा। तो जो हमारा टकला रहता है वो बोलते हैं भाई मैं सिर्फ रेड सील किसके पास, तो रेड सील मतलब भाई जो क्रिमिनल एकदम बिल्कुल एक्स्ट्रा एडवांटेज है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है कुछ पावर से। तो उनमें से उनका एक चेला बोलता है भाई ये बंदा ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, ये एक बैंडिट है विलेज का जो कि भाई आयो के माउंटेन में रहता है। उसके बाद ये एक लड़की है जो कि भाई जिसने सबको न्यूट्रलाइज कर दिया था उस लास्ट रिटेनल में कैसल में। उसके बाद भाई ये है जो कि भाई मास्टर स्वॉर्ड्समैन है, उसको ब्लैक ड्रैगन भी बोला जाता है। और ये एक मोटा है भाई ये बियर का पहले सिर खाता है और बाद में बियर को खाता है। और इन सब में सबसे नोटेबल जो है वो हमारा लिविंग लेजेंड काबीमारू दा होलो है। फिर बोलता है भाई ये क्या है, काबीमारू की तरफ देखते ये बैठा हुआ क्यों है, वो भी बीच में। फिर इवन शागिरे के पास आता है और बोलता है कि यहाँ पे तो ये है लैंड पे तो इससे भी ब्रूटल होगा, तुम्हें भी खतरा होगा, क्या तुम उस टाइम पे इन सबको मार पाओगी? और एक समुराई की बेटी, एक वॉरियर की बेटी को तो किसी मेंशन में चुपचाप रहना चाहिए था। तो शागिरी बोलती है विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अगर मैं कर पाती आइजन एजन टोनो तो मैं ज़रूर ऐसा ही करती। और उसके बाद वो हल्की सी हमको बैक स्टोरी में जाते हैं हम शागिरी के, तो बैक स्टोरी में बताते हैं कि भाई बॉडी स्पिट स्वॉट टेस्ट करना, क्रिमिनल्स का सर धड़ से अलग करना, उनकी बॉडी से मेडिसिन बनाना, अगर भले ही तुम्हें भाई अगर नहीं आती है स्वॉट चलाना लेकिन तुम यमाडे क्लैन में पैदा हुआ तो तुम्हारी लिविंग ही तुमको इन सबको बिहेट करके करनी होगी। फिर हमको बताते हैं कि भाई कैसे शागिरी पे बच्चे उसके बाप के नाम पे उसको बोलते हैं कि भाई मर्डरर की बेटी है, इसकी बेटी है। फिर शागिरी उसके बाद वो सब सुन के भाई वो स्वॉट टेस्टर बनने की सब खेचती है, लेकिन वो देखती है उसे एक बात याद आती है कि तुम्हारा ट्रू नेचर तुम्हें इस ब्लेड में मिलता है। उसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं और एक क्रिमिनल बोलता है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे, वो देखो वो लड़की है वो कमज़ोर है, हम उसकी स्वॉट लेंगे उसको मारेंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। वो तभी उसकी तरफ भागते हुए आते हैं और शागिरी आगे जाती है और बोलती है आइजन से नहीं इन्हें मैं मारूंगी। और उसके बाद देखो कितनी ब्रूटल तरीके से वो उन तीनों का गला अलग कर देती है। फिर हमारा काबीमारू शागिरी से बोलता है कि तुम्हें पता है कि लोगों को मारना कभी ओके रहा ही नहीं, कभी अच्छा रहा ही नहीं। फिर वो उस टकले के सामने हमें काबीमारू खड़ा हुआ दिखाता है और बोलता है कि हम ऐसा नहीं है कि हम हमारी चाहत से इन बंदों को मारते हैं और हम हमारी चाहत से मर्डरर बने हैं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तो वहाँ पर टकला बोलता है कि तुम हमें बताओगे तुम्हें क्या करना है। चेला एक क्रिमिनल से बोलता है कि तुम इधर आओ, अगर तुमने काबीमारू को मार दिया तो मैं तुम्हें बिना किलिंग के तुम्हें उस लैंड पे भेज दूंगा। तो वो एक क्रिमिनल बोलता है ठीक है, वो काबीमारू से बोलता है काबीमारू वहीं रुको मैं तुम्हें मार दूंगा। तो काबीमारू बोलता है कि तुम्हें भी ये पॉइंटलेस किलिंग पसंद नहीं है ना? तो वो क्रिमिनल काबीमारू से बोलता है कि मुझे कोई मतलब नहीं है, अगर मेरे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है तो मैं तुम्हें मारूंगा। काबीमारू अगर तुम लड़ नहीं सकते हो तो वहीं पर खड़े रहो और मरो।
तो गाबीमारू फिर बोलता है कि तुमने मेरे पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी, मुझे लगता है कि तुम अब मुझे तुम्हें मार देना चाहिए। तो वो बोलता है क्या? तो गाबीमारू बोलता है अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मैं तुम्हें मार देता हूँ। और उसके बाद भाई साहब गाबीमारू एकदम ब्रूटल किलिंग पे चले जाता है। और भाई ये ब्रूटलिटी देख के ये टकला जो है वो एकदम शॉक हो जाता है। यही नहीं, सारे के सारे शॉक हो जाते हैं। और एक चिल्ला बोलता है भाई ये तो मॉन्स्टर है। तो दिस इज द पावर ऑफ होलो भाई। और क्या ही सीन दिखाते हैं। गाबीमारू अपने बालों से पूरा खून बिखेर रहा रहता है भाई। फिर शागिरी को दिखाया जाता है और शागिरी गाबीमारू की बात को सोच रही रहती है। जो गाबीमारू बोलता है कि भाई मैं अपने ही सिर पे एक बर्डन ले बैठूंगा। उसके बाद एजन शागिरी से बोलता है कि भाई गाबीमारू की मेथड तो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है भाई। फिर शागिरी सोचती है क्या ये पॉसिबल है कि जो मुझे चाहिए वो ये नहीं कि इनको जो मारने से मुझे डर लगता है उसकी स्ट्रेंथ, बल्कि मुझे इनका सबका बर्डन लेना है और इसे रिजॉल्व करना है। फिर एजन शागिरी से पूछता है शागिरी क्या तुम ठीक हो और तुम्हारे सिर पर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या तुम इसे अच्छे से निभाओगी? तो शागिरी बोलती है बिल्कुल हाँ मैं इसे मार दूंगी। इनका चला बोलता है रुको क्रिमिनल्स, तुम सब एक्सपेक्टेशन पे जा रहे हो। और कौन कौन जाता है? यहाँ पे रहता है एजा चौबे जो बैंडिट किंग रहता है। उसके बाद हमारा जो स्वॉर्ड ड्रैगन रहता है तामिया गंतेंसु साई, और ये दो लड़कियाँ जिनका मुझे नाम अच्छे से आ नहीं रहा है। और उसके बाद हारूबो जो क्लिंग प्रेयर है। उसके बाद हमारा लेजेंड गाबीमारू द होलो, और रोकुरोटा जो जाइंट विजन रहता है। उसके बाद वो टकला बोलता है कि तुम सब जा रहे हो, तुम 10 मेंबर, और तुम सब के साथ एक यामाटा क्लैन का एग्जीक्यूशनर भी तुम्हारे साथ रहेगा। तुम उस अनचार्टेड आइलैंड पे जो सदन सी में वहाँ पे जाओगे और इमॉर्टलिटी का एलिक्सर ऑफ लाइफ लेके आओगे, और तुम ऐसा करोगे और तुम लौट के लेके आओगे, तुम्हें तुम्हारी फ्रीडम मिल जाएगी। और चिंता मत करो, वो पैराडाइज में जा रहे हो तुम शिनशेनको में, और वहाँ पे कोई भी खतरा नहीं है। तो गाइस इसी के साथ हमारे हेल्थ पैराडाइज एपिसोड 2 यहाँ पे ख़त्म होता है। और यार अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो भाई एक सब्सक्राइब मारो, बहुत मेहनत लगती है। और आज रात में भाई अभी थोड़ी देर बाद डीमन स्लेयर सीजन 3 का एपिसोड 4 आने वाला है। मैं उसको देख के भाई उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो भी आज रात में या आपको कल अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल आपको वो उसका एपिसोड भी मिल जाएगा। तो अगर आप देखना चाहते हो वो एपिसोड भी जल्द से जल्द, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब मारो, उस बेल आइकन को दबाओ। और भाई यार भाई के लिए यार सब्सक्राइब कर दो, बहुत मेहनत लग रही है। और मैं बहुत सारे फैक्ट वीडियो भी लाने वाला हूँ, और आपको कल हेल्थ पैराडाइज का एपिसोड 3 और 4 भी मिल सकता है देखने को। एपिसोड 3 तो आपको मिल ही जाएगा, बट मैं भी पॉसिबल कि आपको रात तक एपिसोड 4 भी मिल जाए। तो भाई सब्सक्राइब मारो और मैं अपने आप को और इम्प्रूव करूँगा। तब तक के लिए गाइस बाय, लव यू ऑल।